इसमें जो स्टेप को जरूरत है, लेकिन ऐसा था कि सब्जेक्टिव क्विजेज जो थे वो हमारे पास ऑटोमेटिकली चेक नहीं हो पाते, वो किसी ने किसी को थॉली देखने पड़ते थे कि ये क्या उससे मैच हो रहे हैं, तो आंसर हैं कि नहीं, तो उसमें हम काम कर रहे हैं कि क्या ये हमारे पास अवेलेबल है, ये हमारे पास अवेलेबल है कि क्विजेज बच्चे ले सब्जेक्ट की। और वो ऑटोमेटिक फ्रंट एंड में हमने यूज़ किया जावा पेज जावा की है एचटीएमएल और सीएसएस को डायरेक्ट यूज़ करें, हम बैक एंड के लिए भी पेज के साथ लैंग्वेजेस सुन के मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा लैंग्वेजेस में, आपने पहली दफ़ा सुनी लेकिन ये है कि कुछ बेसिकली थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है, जाहिर सी बात है जब आप यूनिवर्सिटीज को ओके करके उसके बाद फील्ड में आते हैं प्रैक्टिकल थोड़ा सा आप